इस वक्त मौजूद है हम रामलीला ग्राउंड में, जहां आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो मौजूद ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, और ये लगातार इस शहनवाज चौधरी जो हैं उनके इस मुहिम में लगातार साथ में है ताकि इनका कर्जा माफ हो सके, सरकार से इनकी बातों को करे, सरकार इनकी बातों को सरकार के सामने रखे ताकि इनका कर्जा माफी हो जाए। मैं उनसे बात करता हूँ, जानूंगा कि ये कहाँ से आए हैं और उनपे कितना कर्जा है और क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना अपना नाम और कहाँ से आए बताइए। अशोक कारबारी बोराडे मु कंपोस्ट गिरनारे दुगाव नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए। आपके पास कितना कर्जा है और क्या यहाँ पे जो इस मुहिम से जुड़े हैं कब जुड़े थे? मैं अभी 6 महीने से जुड़ा है और मैं नासिक से कर्जे से परेशान, मैं 10-12 साल से परेशान है। मेरा 10-12 आदमी का कुटुंब है और मेरी जो खेती है, बैंक ने क्या किया है, 2 हेक्टर 7 आर का परमिशन दिया और 19 एकड़ खेती दूसरे के नाम पे निलाव करके बेच दिया, और दूसरी 24 एकड़ खेती था वो एक बैंक ने 36 लाख कर्ज लिया था, वो बैंक ने 1 करोड़ 11 लाख को दूसरे नाम पे करके नीलाव करके दिया, और मैंने भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कर्ज लिया था ना 1.85 करोड़, उसको मैंने 2.40 करोड़ भर दिया खेती बेच के, और मेरे अभी भी मैं उसकी नोटिस। क्या खेती करते हैं? किसान हैं हम, और हमारे सब अभी भी उसका नोटिस आया है, और इंडीसी बैंक का भी मेरे ऊपर जब्ती का आदेश अभी आया है 2-4 दिन में। आप इस मुहिम में शहनवाज चौधरी जो है इनके मुहिम में आप जुड़े हैं तो क्या लगता है आपका कर्जा माफी हो जाएगा? होना भी चाहिए, सब किसानों का होना, सब किसान तकलीफ में। किसानों का तो सरकार माफ कर रही है पहले से ही। नहीं, पर वो कर्जा क्या माफ करता है, 1 करोड़ रुपए रहता है, 5 लाख मिलता है, 5 लाख भी ये इनका होगा, इनका नहीं होगा, इनका होगा, 2 एकड़ चाहिए, 5 एकड़ चाहिए, ऐसा कर्जा कुछ किस किसान को रहता है, और सब किसान दलदल में, कर्जे के दलदल में भी फंसा हुआ है। हम तो, मैं 15 आदमी का अभी रास्ते से आने का समय, मैं नोटिस भी दिखा। अगर आपका कर्जा माफी नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या आत्महत्या करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं होगा तो उसका, ये देखो ये उसका नोटिस, और सब नोटिस दिखाता है, देखो नासिक जिला। एक मिनट, और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानेंगे कि वो कहां से आए हैं और कितना पैसा बाकी है। क्या नाम है आपका? ये उन्हीं का ही है सर का। मैं इमरान नाम है, इमरान नाम है जी। आप यहां कहां से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूं जी। आपका भी कर्जा है क्या? आपके ऊपर भी कर्जा है जी? ये 1.5 लाख का कर्जा है जी मेरे ऊपर, प्राइवेट बैंक से कर्जा है ये जी। मुझे अभी साल का ये 5-10 साल हो गए जब से, और मैं मना करता हूं, तुम्हें मारने की धमकी देते हैं कर्जे वाले आते हैं। लगातार देख रहे हैं कि लोग कर्जे माफी के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानेंगे वो कहां से आए हैं। क्या नाम है आपका? वसंत कुमार बिन कर्नाटका। कर्नाटका? हाँ। आप क्या करते हैं? गारमेंट्स का होलसेल था, वो व्यापारी। तो ये कब से आपकी जो ये कर्जा जो आपके ऊपर कब से हुआ? कम से कम 2 साल हो गए सर, 1.5-2 साल। कहा जाए तो लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद से ही सर, उसके पहले होलसेल था, बंद फैक्ट्री खोलने के चक्कर में पूरा खत्म हो गया। 2020 में लॉकडाउन के पहले 2-3 महीने प्लान किया था फैक्ट्री खोलने के लिए, जैसे प्लान किया एग्जिट हो गया लॉकडाउन, उसमें हालत खराब हो गई। फिर दूसरी बार फिर ट्राई किया 2021 में दूसरा फैक्ट्री खोलने के लिए कुरकुरे का, वो भी ऐसी हालत हो गया, और इधर आने के लिए ऐसी हालत हो गई, इधर आने के लिए कर्जा लेकर इधर आया हूँ, और क्या बताऊँ बोलो सर। इतनी हालत खराब है कि घर में जो मुझे जामीन दिया बैंक के लिए, उनको बैंक वाले टॉर्चर कर रहे हैं, जो जामीन दिए उनको बैंक होल्ड करके रखा, उनको सैलरी नहीं दे रहा है। मेरे वजह से और 10 को प्रॉब्लम है, जो मुझे बैंक जामीन लेते हैं ना भाई, 3 लोग का जामीन चाहिए करके, उनको सैलरी होल्ड कर दिया उनका, उनको तकलीफ हो रहा है, मेरे को तो हो ही हो रहा है, उनको भी हो रहा है, मैं तो झेल ही रहा हूँ, वो भी झेल रहे हैं, इतनी हालत खराब होकर बैठी है सर। जो नियम जो है, जो अगर कर्जा आप लेते हैं, आपने बिजनेस लोन लिया था? आपने बिजनेस लोन लिया? हाँ बिजनेस लोन लिया था सर। तो उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा पैसे? देना है सर। नहीं नहीं वो नहीं कर रहा हूँ। तो जो आप लगातार इस मुहिम में जुड़े हैं, यहाँ इनसे जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कर्जा माफी हो जाएगा? सर कोशिश तो करना जरूरी है, और मैंने बोला कि मुझे कर्जा माफ कीजिए, थोड़ा माफ कीजिए, ज्यादा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए बस, ताकि जो तकलीफ हो रही है उससे मैं मेंटली टॉर्चर नहीं हो सकूं, मैं मेंटली मेरा फ्रेश रहेगा तो मैं कमा के कर्जा पे कर दूंगा, टैक्स भी पे कर दूंगा, एक एक ब्याज पे कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त ऐसी हालत है कि मेरे को बोलने की भी ताकत नहीं है, घर पे बहुत टॉर्चर हो रहा है, मैं और मेरी फैमिली हो रही है, ये समझ लो कि सुसाइड करने, बच्चे के सुसाइड नहीं हो पा रहा, बाकी सब कुछ हो गया।
और क्या बोलते टाइम चाहिए। अगर कर्जा माफी नहीं होता है, लगातार बैंक आपसे कर्जा मांग पैसे वापस मांगती है, अगर नहीं आप वापस करते तो फिर क्या कीजिए? सर ऑप्शन तो भरना तो है ही, बल जिल्लत खा के भरेंगे और क्या करेंगे, जिल्लत तो झेलनी पड़ेगी, वही ऑप्शन झेलना ही पड़ेगा। माफ नहीं, टाइम दे देवे, टाइम तो दे सकते, इतनी तो मेहरबानी कर सकते हैं हम, वोट डाले हम भाई, इतनी तो मेहरबानी कर सकती है गवर्नमेंट, टाइम दे दे भाई, उसका ब्याज ले लेवे टाइम का, और क्या बोलो। यहाँ आपने देखा कि कर्नाटक से आए हुए हैं वो लोग, उनका कहना है कि ये बिजनेस मैन थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो हालत हुई, उनको कर्जे में डुबा दिया गया, वो उनकी हालत बहुत ख़राब है, मजबूर हैं, इनका परिवार ही नहीं जो इनके गारंटर बने थे उनको भी बैंक के जो कर्मचारी हैं अधिकारी वो परेशान कर रहे हैं। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद लोग हैं जो परेशान, जो कर्जदार हैं, जो यहाँ पे इस मुहिम में जुड़े हुए हैं इस आस में कि उनका कर्जा माफी हो जाएगा, उनसे हम बात करते हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम महेंद्र सिवर है, मैं कोमराज जिला गुना मध्य प्रदेश से हूँ। कैसा लॉकडाउन के पहले 4,96,000 रुपए का लोन लिया था, लॉकडाउन के पहले टाइम टू टाइम मेरी किस्त गई तो मूलधन मेरा 2,85,000 अभी बचा है। लॉकडाउन के बाद से ही मैं, मेरा धंधा बंद हो गया, पर्सनल गल्ले का व्यापार था, तो आज ये नौबत हो गई है कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ आईसर कंपनी में पीतमपुर अपना घर छोड़ के, तो वहाँ पे मिलती है 10,000 रुपए वेतन, जबकि मैं बैंक वालों को बोल रहा हूँ मेरा जो मूलधन है 2,85,000 रुपए मैं देने के तैयार हूँ, तो उनकी तरफ से कुर्की का आदेश कर दिया है। तो ये सर ने मेरी मदद की है, इनकी टीम के लीडर है, मकान कब्जे के लिए तहसील से नोटिस आ गए तीन, ये लोग ही मेरी मदद कर रहे हैं। तो फिर ये है कि बैंक वालों को मैं सेटलमेंट के लिए भी बोल रहा हूँ कि मेरा 2,85,000 है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको 2 किस्तों में, पर बैंक वाले बोल रहे हैं कि नोटिस कर दिया मेरा 11,00,000 रुपए का मूलधन है मेरा 2,85,000, ये आपका 11,00,000 या तो पूरा भरो, सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं, या फिर मकान खाली करो। तो घर में 2 भाई हैं, बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, भैया की दिमाग भी थोड़ा ऐसा ही है, मम्मी भी मेरी मानसिक पागल है, और मैं पीतमपुर में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ आईसर कंपनी में। मध्य प्रदेश को छोड़ के यहाँ आप जॉब कर रहे हो ना? अच्छा, मध्य प्रदेश के पीतमपुर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, घर से 250 किलोमीटर। कल तक बिजनेसमैन थे, आज खुद नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहा हूँ, परमिति ज्योति ट्रेडर्स नाम से, GST नंबर भी है, सभी चीज है, बट पर अब लॉकडाउन के बाद से धंधा ठप हो गया, घाटा लग गया, तो जॉब करने लगा पीतमपुर में। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये लोन माफी हो जाए, अगर लोन माफी नहीं दे तो कुछ राहत दे, किस्तों में समय मिल जाए, या लोग बागों से बोल दे कि ब्याज माफ आपका मूल देना पड़ेगा, ऐसा भी जैसा भी हो जाए, कम से कम कुछ तो राहत मिले सरकार की तरफ से। लगातार जो यहाँ लोगों का कहना है कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि मुझे कर्जा पूरा माफी कर दे, जो बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेसमैन का कहना है कि मैं मूलधन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंटरेस्ट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि मूलधन देना ही बहुत बड़ी बात है। लगातार और भी लोगों से हम बात करते हैं, पहले बिजनेसमैन से हम लोगों ने बात किया, उनकी उनकी दिक्कतें को जाना, अब आम लोगों से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम और कहाँ से आए? सत्यप्रकाश शर्मा, दिल्ली से आया हूँ। पिछली बार जब नोटबंदी हुआ था तो उसके बाद 2016 के बाद 2017 में मैंने अपनी बेटी की शादी करा मार्च में, मैंने 4,00,000 रुपये बैंक से कर्जा लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसके बाद मैंने उसको 3 साल भरा, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मुझे कोरोना हो गया, मैं बीमार हो गया, तो मैंने 3 साल भरा, 3 साल भरने के बाद में सोसाइटी ने मेरे पे 8,50,000 रुपये कर्जा फिर भेज दिया। अभी नोट से आया केस कोर्ट में है, मेरा रिकवरी होने वाला है, 31 तारीख लास्ट है, और सर जी से इनसे बात हुआ, कहने लगा हम देखते हैं कुछ, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि मुझे कुछ राहत मिल जाए, या मुझे खाली जो मेरा मूलधन है वही भर जाए, मैंने मूलधन तो मैंने भर ही दिया, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो रह गया उन्होंने मेरे को 8,00,000 रुपये अमाउंट मेरा भेज दिया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है। मूलधन कितना है? मूलधन मेरा 4,00,000 रुपये करीब था, जो मैंने 3 साल भरा लगातार, 16,000-18,000 मैंने हर महीने किस्त भरा। तो कितना लगभग भर चुके हैं और कितना बाकी अगर मूलधन की बात? मैंने 4,00,000 से ऊपर तो मैंने भर दिया है, अब 1,50,000 रुपये रह गया होगा, बैंक ने उसमें अमाउंट ब्याज 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 लगा करके 8,00,000 रुपये भर दिया, मेरा जमा कर दिया। अब क्या होगा अगर पेमेंट नहीं करते तो फिर क्या करने वाला है बैंक? मेरा रिकवरी हो जाएगा, मेरा सब कुछ ले जाएंगे निकाल के, मकान तक भेज दिया मैंने मेरा। आप क्या करते थे? मेरा रेडीमेड काम था, बिजनेसमैन। ये भी व्यापारी है जिन्होंने कर्ज लिया था अपनी बिटिया के शादी के लिए, पेमेंट पूरी नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना के वक्त बीमार हो चुके थे और लगातार ये बीमार रहे, जिस वजह से ये पेमेंट नहीं कर पाए, और इनका जो मूलधन है बढ़ते बढ़ते ब्याज के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये पेमेंट नहीं कर पाए, और आज हालत यह है कि बैंक इनकी रिकवरी यानी कि इनके ज़मीन को जब्त करने वाला है, जो मकान इनका जब्त करने वाला है, तो ये कहाँ रहेंगे अपने परिवार के साथ? सरकार को इसकी सुनवाई करनी होगी। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानेंगे उनकी क्या परेशानी है। सबसे पहले कहाँ से आए हैं, क्या नाम? जिला बदायूं से आए सर हम,
ना एसडीएम ने और एसओसी ने मेरी और गरीबों की 90 करोड़ 70 लाख की भूमि दबंग दे दी। मैंने शिकायत कर दी दिल्ली शासन प्रशासन को, तो इन्होंने मुझे 7 बार जेल भेजा, मेरी लड़की को मारा, मेडिकल मेरे मेडिकल नहीं बनने दिया, छोटी लड़की को जान से मरवा दिया, 7 बार मुझे जेल भेजा और मेरे नाम से इन्होंने एसडीएम तहसीलदार ने रुपये लगा लिए हैं और मुझे जेल जेल शांति भंग में जेल भिजवाते हैं और कहते हैं अगर किसी शिकायत करी गुंडो हो जाए तो दो आपके कर्जे का तो बात नहीं है ना आपका कर्जा, इन्होंने मेरे नाम से बैंक से रुपए निकाल लिया, नोटिस भेजते हैं कहते हैं चुप करो या शिकायत मत करो, तो आपके नाम से कोई और पैसे निकाल लिया, एसडीएम ने लिखा रहा तहसीलदार ने मुझे हवालात में बंद करा, दस कर लिया मुझे जो जत्ती, फिर पुलिस ने मुझे कहा कि एसडीएम ने बिसौली के तहसील बिसौली जिला बताई और पुलिस ने मेरी लाठी पेल कर डीडीसी को कोरे का आप क्या करते हो, क्या करते थे और अभी क्या करते हो? खेती का काम करते हैं, मजदूरी। ऐसे कैसे कर सकता है कोई भी कि आपके एसडीएम आपके नाम से पैसे ले लेगा, ऐसे पहली बार सुन रहा हूँ। उन्होंने पकड़ा है और जेल में बंद रखा है और 1 करोड़ रुपए भूमाफिया से उठाता है ना, अब शेर सिंह नासा इंस्टाग्राम पर न्यूज देख लेना, देखो साहब ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पूरे तैयार हैं, ये कागज रख लो। अब देख सकते हैं कि एक शख्स बदाई से आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नाम से एसडीएम की मिली भगत से मतलब पैसे हमारे नाम पे कर्ज ले लिया गया और हमें उल्टा फंसा दिया गया, हमें यहाँ तक कि जेल में भी डाला गया, जिसके बाद 7 बार इन्होंने कहा कि 7 बार हमें जेल में डाला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज का कि लोग मतलब कि दूसरे को पैसे को किस तरह से उसके नाम से कर्ज उठाते हैं और परेशान करते हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या नाम है? हम तो बुराड़ी से आए भाई। कितना कर्जा है भाई साहब? हमारे पास है 1.5 लाख रुपए। काहे का कर्जा, क्यों लिए थे कर्जा? ऊपर आ जाओ, ऊपर चलो। क्यों लिए थे कर्जा? हमने लिए मकान बनाने के लिए। मकान बनाने के लिए कब? हो गया 1.5 साल। 1.5 साल? हाँ। ऊपर खड़े हो? 1.5 साल हो गया। कि मतलब कि करते क्या हो? हम तो बाजार लगाते चप्पल का। यानी कि व्यापारी हो? तो क्या पैसे नहीं दे पाए क्या? हम बाजार लगाते हैं, पटरी पे लगाते हैं। यहाँ भी सब लगातार जो हम लोगों ने हम जो लगातार बात कर रहे हैं वो व्यापारी लोग ही लगातार इसमें दिख रहे हैं, लगातार सभी कर्जे से परेशान हैं, सब इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि ताकि उनका कर्जा माफ हो सके। लेकिन सरकार को इससे इस पर पॉलिसी लानी चाहिए ताकि इन लोगों का कर्जा माफ किया जा सके। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ये वो लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर हजारों लाखों रुपए का कर्जा है और लगातार लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सुबह से लगातार ये चल रहा। शहनवाज चौधरी हमारे साथ मौजूद है, वो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो मुहिम है किस तरह से चला रहे हैं और क्या जो कर्जा है लोगों का माफ हो पाएगा कि नहीं। शहनवाज चौधरी जी, सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि जो लोग यहाँ इतने आए हैं ये कहाँ कहाँ से आए हैं और इन पे जो आपके पास लिस्ट तैयार हुआ है तो कितने लाख का भी कर्जा आपके पास सामने आया है? देखिए ऐसा है, पूरे इंडिया से कोई राज्य नहीं है यहाँ। देखिए यहाँ बंडो मान्य कुमार से भी 7-8 साथी आए हुए हैं हमारे और कोई राज्य ऐसा नहीं, यहाँ से लोग नहीं है, बस ये भर भर के मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हिमाचल से लोग आए, राजस्थान से लोग आए। समस्या गंभीर बहुत ज्यादा है। अभी तक मेरे पास लगभग 6,90,000 यानी लगभग 7 लाख लोगों का डाटा आ गया है और हमने वो प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री को भेज दिया। ये लोग परेशान है, इसके ऊपर 2 लाख का कर्जा है, 5 लाख का, 10 लाख का, मैक्सिमम होगा 1 करोड़ का, इससे ऊपर का कर्जे वाले लोग नहीं है और ज्यादातर सुसाइड करने वाले यही लोग हैं क्योंकि इनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन कर रहे हैं लोग, कर्जे की दलदल में फंसे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को तो समस्या नहीं लग रही थी, आज जब इतनी संख्या दिख रही है तो सरकार को लग रहा है कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं तो सरकार अब इस गंभीरता को लेगी शायद। क्या लगता है कि सरकार को इसके बारे में गंभीर सोचना चाहिए या सिर्फ बस राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सरकार में बैठे लोग, सदन में जो बैठे लोग हैं जिनको भेजा है जनता ने, वो जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे। व्यापार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो वर्तमान सरकार है व्यापारी तो उसका समर्थक वर्ग है, तो उन्हें उनका साथ देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे वो साथ देना चाहिए। वो अभी जो संसद की बात करें, सीतारमन जी जो वित्त मंत्री, उन्होंने भी इस विषय पर चर्चा किया, सिर्फ चर्चा किया लेकिन बाकी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने ही सवाल एक सांसद जी को भेजा था, सभी सांसदों को पत्र भेजा था, उसी में से सवाल पूछा गया है। वित्त मंत्री ने बोला है कि कानून मतलब इंसानियत के नाते निर्णय लिए जाए, कानून है, कानून तो है लेकिन आरबीआई के कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, पालन होना जरूरी है, दबाव पड़ना जरूरी है सरकार के ऊपर भी और रिकवरी वालों के ऊपर। जब तक दबाव नहीं पड़ेगा सरकार की तरफ से, बैंक वालों पर दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। क्योंकि नितिन देसाई के ऊपर भी क्या हुआ, रिकवरी वाले परेशान कर रहे थे, एनबीएफसी कंपनी थी और वो दबाव झेल नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है कि इन लोगों का कर्जा आप माफ करा पाएंगे?
प्रयास तो है, अगर नहीं करेंगे तो वर्तमान सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कर दें, नहीं तो ऐसी सरकार लेके आएंगे जो जनता कर्जा माफ करे। मैंने बोली दिया मन से।